हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और गाइस आज हमारे पास आई है एस क्लास और ये होने वाली है रैप। और ये रैप होगी ड्यूल कलर में, ड्यूल कलर भी क्या, दोनों ब्लैक ही हैं बट एक मैट ब्लैक होगा और एक ग्लॉस ब्लैक। ये गाड़ी वैसे PPF ओरी की है बट PPF भी थोड़ा सा इसमें ख़राब हो गया है कहीं कहीं पे, और इसमें कुछ ये स्टिकर्स वगैरह हैं ये हटाने हैं। पहले लिफ्ट में लगाकर इसके बॉडी पार्ट्स वगैरह खोल लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके स्टूडियो के अंदर लगाते हैं। और बाकी जो इसके अलॉयज हैं ये भी ही ग्लॉस ब्लैक में पेंट होंगे। सो गाइस, गाड़ी के पार्ट जो हैं हमने खोल लिए हैं, जैसे इसका बम्पर वगैरह, लाइनर वगैरह अंदर की, टायर भी इसके बाहर निकाल दिए हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो जाए, अंडर बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाए। और पीछे वाले बम्पर को भी लूज़ कर लिया है। बस इसके बाद वॉश करने के बाद इसे अंदर स्टूडियो में खड़ा करते हैं। गाइस, कार वॉश होके अंदर स्टूडियो के पार्क कर दी है। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये PPF हो रखा है बट PPF कुछ कुछ जगह से ना डैमेज हो रखा है, बहुत सारे स्पॉट्स हैं इसमें ऐसे छोटे छोटे से, जैसे ये सब है, इधर है, ये है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब प्रॉब्लम ये है इसमें करने में कि ये रैप के नीचे तो सब दिखेगा, रैप करने के बाद ये और ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे, और अगर इनको हटाना है तो पूरा PPF खोलना पड़ेगा, मतलब पूरा PPF को निकालना पड़ेगा। इस रैप करने से पहले गाइस एक बार इसको अच्छे से दोबारा साफ़ कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है Day 2। कल तो सिर्फ गाड़ी का बम्पर वगैरह ही खोल पाए थे और वॉशिंग वगैरह करी थी, बाकी थोड़े जो पार्ट्स थे वो खोले। और हाँ, ये पीछे का बम्पर था इसको कर दिया है ब्लैक। और हाँ, मैं आपको इसकी डिटेल बता दूँ, ये ब्लैक जो होएगा, ये आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, इस लाइन से नीचे नीचे ये होगा ग्लॉस ब्लैक, और इससे ऊपर ये सारा इसका रूफ वगैरह, हुड वगैरह, ये सारा होएगा मैट ब्लैक। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है Day 3 और आज हमारा डिलीवरी भी हुआ है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का, और फिर हमारा ग्लॉस ब्लैक और ये साथ में मैट ब्लैक जो इसमें होना है। एक्चुअल में रैप हमारा ख़त्म हो गया था जो कि आज ही डिलीवर्ड हुआ है हमें, और अब बाकी इसके अलावा हमारा ये बम्पर वगैरह तो हो गए थे रैप फ्रंट का और ये बैक। अब स्टार्ट करते हैं इसका हुड जो कि होएगा ब्लैक रैप और वो भी मैट फिनिश में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसके प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, इसको सबसे पहले साफ कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, बट जॉइंट बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाला जो पैनल है आधा हाफ, ये होएगा मैट ब्लैक और ये होएगा ग्लॉस ब्लैक, तो इसीलिए इसमें मैंने नाइफलेस टेप लगा दी है ताकि स्मूथली कटिंग हो जाए। ये पूरा पूरा इस तरीके से, ये मैट ब्लैक और ये ग्लॉस। और अब करते हैं इस पैनल को रैप। Baby, come get it.
हमारी कार रेडी हो गई है, रैप कंप्लीट हो चुका है, बस अभी मिरर कैप रह गए हैं जो कि हाइड्रोलिक होने जा रखे हैं। इसके अलावा अलॉय भी हमने रैप कर दिए हैं। गाइस, कार हमारी रेडी हो गई है, दे फाइनल लुक। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये गाड़ी, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। और मैं इसके कुछ सिनेमैटिक डाल दूँगा, वो आप चेकआउट कर लेना वीडियो के एंड में। ओके, बाय बाय।